सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए दूध और केले का इंतजाम भी बोला था, वो किया कि नहीं? हाँ, वही ले जा रहा हूँ मंत्री जी। अरे मालिक, कब तक ऐसे स्पोर्ट्स डे की तैयारियाँ करवाते रहोगे? स्पोर्ट्स डे का रिबन कब काटोगे? कोई नई चाल चुनी कि नहीं? आज मैं ऐसी चाल चलने वाला हूँ जिससे जय वीरों की हीरोगिरी निकल जाएगी और सूर्य नगरी के सामने अपनी हीरोगिरी सामने आएगी। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। आज स्पोर्ट्स डे का दिन है, जय वीरू की टीम को हम दोनों मिलकर हराएंगे, फिर देखना सबकी नजरों में हम छा जाएंगे। हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सूर्य नगरी स्पोर्ट्स डे में आप सभी का स्वागत है। बजाओ ताली। हर साल की तरह इस साल भी सूर्य नगरी स्पोर्ट्स डे में सबसे पहले होगी नींबू चम्मच रेस, फिर होगा बोरा रेस, उसके बाद चार टांग की, तीन टांग की रेस। बजाओ ताली। शुरुआत करते हैं नींबू चम्मच रेस से। एक प्लेयर शुरू करेगा और बीच में अपने पार्टनर की चम्मच में नींबू ट्रांसफर करेगा। जो पहले फिनिश लाइन पर पहुंचेगा वो विनर होगा और उसे मिलेगा नींबू पानी। बजाओ ताली। और इसी के साथ सभी खिलाड़ी नींबू चम्मच के साथ स्टार्टिंग लाइन पर। भास्कर सर की बजी सीटी और रेस शुरू। बजाओ ताली। नन्हे नन्हे कदमों से सभी खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए। वाह, गंगू का नींबू तो बिल्कुल नहीं गिर रहा, चम्मच से चिपका है क्या? नींबू तो जाएगी चम्मच में चिपका है। गंगू को भी ट्रेनिंग मैंने ही दी है वीरू। हाँ, आजा गंगू, जल्दी आजा, आजा। ये क्या, गंगू का नींबू चिपक गया और जीवन जी उसकी पिटाई कर रहे हैं। लगता है नींबू के रस से उनका नींबू चम्मच से चिपक गया और इस रेस के विनर है जय वीरू की जोड़ी। बजाओ ताली। नींबू चम्मच रेस के बाद अब है बोरा रेस की बारी। बोरा रेस के लिए खिलाड़ी तैयार। एक बोरे में दोनों खिलाड़ी, जिन्हें खुदक खुदक कर फिनिश लाइन तक पहुंचना है। भास्कर सर सिटी के साथ तैयार हैं। क्या आप ताली बजाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो बजाओ ताली। ए मालिक, स्प्रिंग पे कूदिए, अच्छा जंप मिलेगा। एक, दो, तीन। और बोरा रेस के दौरान जीवन जी और गंगू ग्राउंड के बाहर झाड़ियों के अंदर। नहीं नहीं, अभी मत बजाओ ताली। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बोरा रेस चैंपियन है गोलू मोलू। बजाओ ताली, क्योंकि अब स्पोर्ट्स डे की आखिरी रेस थ्री लेग रेस है शुरू होने वाली। भास्कर सर की सीटी के साथ ही शुरू हो गई है थ्री लेग रेस। सभी खिलाड़ियों का तालमेल लाजवाब है, इसके लिए बजनी चाहिए जोरदार ताली। सबसे आगे है प्रिंस जय और वीरू। ओहो, ये क्या, जीवन जी और गंगू तो अब भी अपने आप में उलझे हुए हैं। इनका तालमेल ऊन के गुच्छे की तरह उलझा हुआ है। दोनों कंफ्यूज हैं, कौन सा पैर आगे बढ़ाएं, कौन सा पीछे। जय वीरू रुक गए और वो आगे की बजाय पीछे आ रहे हैं जीवन गंगू की तरफ। और ये क्या, बजाओ ताली।
प्रिंस जय और जीवन के साथ साथ वीरू और जय की जोड़ी ने एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस की है। इस साल जय वीरू के साथ जीवन और गंगू भी चैंपियन बन रहे हैं। थैंक यू प्रिंस जय, थैंक यू वीरू, बधाई हो मालिक। इतने सालों में आपने कम से कम एक रेस तो पूरी की। एजेंट एक्स, एजेंट एक्स रिपोर्टिंग सर। क्या तुमने ट्रेन में वो कंट्रोलिंग डिवाइस लगा दिया है जो मैंने तुम्हें दिया था? यस सर, लगा दिया है। अब पूरी की पूरी ट्रेन आपके रिमोट से कंट्रोल होगी। खुश हुआ बम बम बम्बूस्की, ओवर एंड आउट। मॉस्को से बीजिंग जाने वाली ट्रेन अब मेरे कंट्रोल में है। अब देखो क्या करता है बम बम बम्बूस्की। बॉस, आज तेरी वजह से सुबह सुबह दौड़ लग गई। तुझे कहा था कि 5 बजे जगा देना। अम्मा, लेकिन सुबह 5 बजे कौन उठता है? हम तो शाम के 5 बजने का इंतजार कर रहे थे। तो घबराहट हुई, कुछ करो धीर। अरे आज सुबह ही तो हमने हेलो किया था। अभी ट्रेन छूट रही है, हम बाद में शेक हैंड करेंगे। बॉस, मैं शेक हैंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। अरे हाथ पकड़ने से क्या होगा? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। यारुस्की, यारुस्की। हेलो माय फ्रेंड खोदकर। हाँ, खोदकर ने सूटकेस को खोदकर तुम्हें निकाल ही लिया खोजकर। ओहो बच्चों, ये है मेरा खास दोस्त। हम हैं यारुस्की। यारुस्की? किसकी? किसकी नहीं, यारुस्की। अरे वही तो पूछ रहे हैं हम, किसकी किसके यार है यार? बॉस, इनका नाम है अंकल यारुस्की। हाँ बेटा, ये यारुस्की हैं। इन्होंने ही हमें इस ट्रेन में इनवाइट किया है। हाँ बच्चों, ये ट्रेन कई देशों को क्रॉस करती हुई मॉस्को से बीजिंग तक जाती है और हम सब रास्ते में खूब एंजॉय करेंगे। सभी को लम्बूस्की का सलाम, हम हैं लम्बूस्की। हीर को परेशानी हुई। क्यों हुई? क्योंकि हीर को समझ में नहीं आ रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है। ये हमारे सबसे बड़े बतलर की आवाज है, लम्बूस्की की। जरा नीचे देखो। मेरा तो दिमाग चर्र करके चकरा गया। अगर ये बड़े बटलर हैं, तो छोटे कैसे होंगे? हाँ, और ऊपर से इनका नाम भी लम्बूस्की है। हाँ, इनका नाम तो छोटूस्की होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, बातें बात में बच्चों, लेट्स गो।
प्लीज कम फ्रेंड्स, सरिया रुस्की के कहने पर हमने आपके लिए खास खाने का इंतजाम किया है। ये खाना है। ये खुश हुई। चलो चलो हर से सारा खाना खा जाते हैं। वेट बच्चों, पहले हम प्रेयर करेंगे, गॉड को थैंक्स कहेंगे। वेरी गुड बच्चों, खाने से पहले हमेशा भगवान को थैंक्स कहना चाहिए। ओह माय गॉड बॉस, तुमने तो पूरा खाना खा लिया। अंकल यार उसकी ने कहा था कि ये खाना है, हमने खा लिया। बेटा वो बता रहे थे कि ये खाना है और तूने तो खाना ही खा लिया। डोंट वरी, हमारे होते हुए खाने की कोई कमी नहीं हो सकती। लंबुस्की। यस मिस्टर यारोस्की। लंबुस्की अभी खाने का इंतजाम करता है। ये क्या हो रहा है? ये गेट्स अपने आप क्यों बंद हो रहे हैं? ये एक कौन सा कॉमेडी शो आ रहा है दादाजी? ये तो बम्बुस्की है, बहुत बड़ा गुंडा है। हेलो फ्रेंड्स, आ गया है बम बम बम्बुस्की बम्बार्डिंग करने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी ट्रेन और इसके सिस्टम्स मेरे कंट्रोल में है। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहा है? और मैंने इस ट्रेन में ऐसा डिवाइस लगा दिया है कि अगर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आर से कम हुई तो ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। ये कौन मजाक कर रहा है? अगर आप लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आपकी ट्रेन में सफर कर रहे या रूस की नाम के बिजनेसमैन से कहिए कि उनके गले में जो रूबी लॉकेट है वो मेरे हवाले कर दे। आपके ट्रेन के रेस्टोरेंट की एक टेबल पर एक क्रॉस साइन का बॉक्स रखा है। यारूस्की, अपना रूबी उस बॉक्स में डालकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये बता दूं कि यहाँ से 50 माइल्स दूर एवलांच की वजह से ट्रैक बंद हो चुका है और ट्रेन जाकर उससे टकरा जाएगी। ट्रेन को रोकना सिर्फ मेरे हाथ में है। यारूस्की के पास सिर्फ 30 मिनट है अपने आप को और इस ट्रेन को बचाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये रूबी बहुत बहुत कीमती है और हमारे खानदान की निशानी भी। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। मुझे तो ये गीदड़ भपकी लग रही है। इंजन ड्राइवर से कहो कि वो ट्रेन को स्लो कर दे। प्लीज स्टॉप द ट्रेन, इट्स एन इमरजेंसी। कोई इंसान नहीं था। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। 100 किलोमीटर से स्पीड नीचे गई तो पूरी ट्रेन डीरेल हो जाएगी। मिस्टर यारोस्की, मैंने स्पीड तो बढ़ा दी है लेकिन मुझे अभी वायरलेस पे मैसेज आया है कि यहाँ से 45 माइल्स आगे ट्रक ब्लॉक्ड है एवलांच की वजह से। अगर हमने ट्रेन नहीं रोकी तो ट्रेन क्रैश हो जाएगी। बम बम बम्बुस्की की बम्बार्डिंग देख ली? अभी तो लगेज बोगी को डिरेल किया है। अगर 30 मिनट में रूबी नहीं फेंका तो पूरी ट्रेन डिरेल हो जाएगी। दादाजी, बम्बुस्की झूठ नहीं कह रहा है, ट्रेन की कंट्रोल्स उसके कब्जे में है। अब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
क्या फैब फाइव ये मिशन पूरा करने के लिए तैयार हैं? ये डोंट वरी यारुस्की, फैब फाइव यार हैं सबके, ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन कैसे? हमें इंजन तक जाकर उसके फिट किए हुए डिवाइस को ढूंढना होगा जिससे वो ट्रेन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तुम लोग इंजन तक जाओगे कैसे? उसने बीच के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमें बाहर से जाना होगा। अरे क्या धड़ाम करके ट्रेन से कूदने वाले थे? नहीं तो धीर ने कहा कि हमें बाहर से इंजन में जाना होगा, तो हम बाहर से इंजन में जा रहे थे। बाहर से मतलब छत से बॉस। ओ क्या आप हमें बता सकते हैं कि बम्बूस्की ने कंट्रोलिंग डिवाइस कहाँ लगाया होगा? हर ट्रेन का कंट्रोल बॉक्स इस तरफ है। हाँ? ये डिवाइस कौन सा है जो कंट्रोल बॉक्स की साइड में लगा हुआ है? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये डिवाइस तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। ये टेंस्ड हुई। क्यों हुई? समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। ये डिवाइस तो बहुत सारी तारों से कनेक्टेड है। मीर, क्या तुम इस डिवाइस के बारे में कुछ बता सकते हो? ये डिवाइस कोई किसी रिमोट से ऑपरेट कर रहा है। हो ना हो यही बम्बूस्की का डिवाइस है जिससे वो ट्रेन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हम इसे बंद कैसे करेंगे? वही तो समझ नहीं आ रहा, इतने सारे तार हैं इसमें, गलत तार काटने से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जब कंफ्यूजन होता है तो हमें पता है कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अरे बॉस ये क्या किया? एक कंफ्यूजन दूर कर दिया। हीट को घबराहट हुई क्योंकि ट्रेन की स्पीड और बढ़ चुकी है। अब तो हम सटाक स्पीड से जा रहे हैं। ट्रेन 2 से 15 मिनट में टकराने वाली थी, अब तो और जल्दी टकरा जाएगी। बम बम बम्बूस की से होशियारी, मेरे कंट्रोल्स को छेड़ने की कोशिश किया किसी ने, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मीर, क्या तुम उस वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी बम बम बम्बूस्की की वॉकी टॉकी से मैच कर सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। हेलो बम्बूस्की, हेलो बम्बूस्की। हेलो, मैं धीर बोल रहा हूँ। धीरज रखो, हम तुम्हें रूबी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें वो रिमोट हमें देना होगा जिससे ट्रेन कंट्रोल हो रही है। रिमोट तुम्हें मिल जाएगा लेकिन बिना रूबी के नहीं। ट्रेन की छत पर आ जाओ, मैं तुम्हें रूबी देने आ रहा हूँ। बम बम बम्बूस्की आ रहा है, ओवर एंड आउट। मैं अंकल यारुस्की का रूबी लेकर छत पर जाता हूँ और मौका मिलते ही बम्बूस्की का रिमोट छीन लूंगा। लेकिन कैसे? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा दादाजी। तुम तो बच्चे हो। वेल डन, लाओ ये रूबी मेरे हवाले कर दो। आई एम सॉरी बम्बूस्की, पहले मुझे ये रिमोट दो। मुझसे और स्मार्टनेस नहीं बच्चे, एक हाथ ले एक हाथ दे। बम बम बम्बूस्की से होशियारी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। Yeah.
थैंक यू फैब फाइव, आज तुम लोग ना होते तो न जाने क्या हो जाता। नो वरीज अंकल, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। अभी थोड़ी देर में रास्ता क्लियर हो जाएगा और हम लोग बीजिंग के लिए रवाना हो जाएंगे। अरे मालिक, सच में इस मूर्ति ने तो फव्वारे की शान बढ़ा दी है। एकदम फव्वारे की रानी लग रही है। मेरे राजा, आपने मुझे नया जीवन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन हो तुम? हैं कौन हो? मैं फाउंटेन रानी, आपकी क्वीन। मिस्टर किंग, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? फाउंटेन रानी तुम जैसे प्यादों से बात नहीं करती। बुलाओ अपने प्रिंस जय को, उसे हरा कर फाउंटेन रानी इस सूर्य नगरी की रानी बनेगी और मेरे किंग बनेंगे जी। आओ आओ प्रिंस जय। फाउंटेन रानी, यही नाम है तुम्हारा? सूर्य नगरी की रानी बनने का सपना देख रही हो? वो तो मैं बन कर रहूंगी। फाउंटेन रानी को हराना इतना आसान नहीं है छुटकुओ। ये तो बेकाबू हो रही है, अब क्या करें? सब महल की तरफ तैरिए। जीवन जी, आप इस मूर्ति को कहाँ से लाए थे ये तो बताइए। मैंने एक एंटीक शॉप से खरीदी थी, पर पता नहीं था कि ये मूर्ति तबाही की मूर्ति है। और ये मूर्ति जिंदा कैसे हुई? मैंने तो बस फाउंटेन का पानी अपने हाथों से इस पर डाला था। आज से सूर्य नगरी की रानी मैं हूँ, फाउंटेन रानी। जय, क्या सोच रहे हो, हमें भी तो बताओ। मैं सूर्य नगरी का प्रिंस जय आपको रानी मानता हूँ, प्लीज आप शांत हो जाइए और अपनी प्रजा को नुकसान मत पहुँचाइए। शाबाश, अब ये बताइए हमें क्या करना है? सूर्य नगरी में सिर्फ रानी होगी तो मजा नहीं आएगा, जब तक राजा नहीं होगा मजा नहीं आएगा, और प्रिंस तो पहले से ही है, लेकिन मैं उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दूंगी और सपने अच्छे देखती हो तुम। पर अफसोस ये सच नहीं होंगे। जीवन जी, इस फाउंटेन पर उस मूर्ति का एक भी हिस्सा नहीं रहना चाहिए और ये सभी टुकड़े यहाँ से दूर रेगिस्तान में दफन कर दिए जाएं। प्रिंस जय, उसे रोकने का तरीका आपको कैसे पता चला? उसे अपनी पावर पानी से मिल रही थी और उसका पानी का सोर्स सिर्फ फाउंटेन का वाटर सप्लाई था। सिंपल।
प्रिंस जय की जय, वीरू की जय। जय का दिमाग, वीरू का हाथ, मिल जाए साथ तो बन जाए बात। ये लपेटते रहो विद हनी बनी। आज हम गणित यानी मैथ्स पढ़ेंगे, तो सुनो। एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 2 आम सड़ गए, बताओ कितने आम बचे? सर। हाँ बनी। सर 10 आम। वो कैसे? सड़ने के बाद भी आम तो आम ही रहेगा ना, केला तो नहीं बन जाएगा। तोताराम। प्रेजेंट सर। नंदू। प्रेजेंट सर। पोपट। प्रेजेंट सर। कौशिक। हनी। प्रेजेंट सर। हनी, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? सर, कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अच्छा, तो फिर बनी क्यों नहीं आया? उत्तरी सर, मैं भी उसी सपने में हनी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। आज हम चॉइस के बारे में पढ़ेंगे। हमारी चॉइस हमारा कैरेक्टर बनाती है। तो सुनो, एक तरफ पैसा है और दूसरी तरफ अकल। हनी, तुम क्या चुनोगे? पैसा। गलत, मैं अकल चुनता। आप सही हो सर, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। हाँ हनी। डॉक्टर साहब, 2 साल पहले मुझे बुखार आया था। हाँ हनी, तो अब क्या? आपने नहाने को मना किया था। आज इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूं, अब नहा लूं क्या? बड़े भाई, टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है? टूर्नामेंट? अरे छोटे भाई, ये जो तुमने हाथ में पहना है ना, उसे टूर्नामेंट कहते हैं। ओए, गधे की अक्ल वाले बिल्ले, उसे टूर्नामेंट नहीं ऑर्नामेंट कहते हैं। ये पोपट, एक हाथ में पहनो तो ऑर्नामेंट और दोनों हाथों में पहनो तो 2 ऑर्नामेंट्स, मतलब टूर्नामेंट। छोटे भाई, ये सीनियर और जूनियर का क्या मतलब? समंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। और जो समंदर के पास हो उसे क्या कहते हैं? सीनियर। हाँ, और जू के पास हो तो? जूनियर। अरे वाह, सीनियर जूनियर। ले भाई लपेट। पोपट, तुम आ गए? नहीं, मैं अभी रास्ते में हूँ। कोई शक? रास्ते में तो यहाँ कैसे दिख रहा है? हनी, हमारे दिमाग का भत्ता मत बना, पहले मूड बहुत खराब है। क्या हुआ? तुम लोगों ने चेहरा क्यों उतार रखा है? जोरदार, तुम भी कुछ भी बोल देते हो, उनका चेहरा उनकी गर्दन के ऊपर ही कहाँ उतार रखा है। हम उस आदमी के पीछे क्यों जा रहे हैं? वो तो आइसक्रीम भी नहीं बेचता। मुझे लगता है यही वो आदमी है जो नकली नोट मार्केट में चला रहा है। इसी की बात कर रहे थे इंस्पेक्टर पांडा, हम उसका पीछा कर रहे हैं। भाई साहब, चलते रहो, रुकोगे तो हम पीछा कैसे करेंगे? पुत्री, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? अरे छोटे भाई, कुछ नहीं, मुझे ना नॉनवेज खाने का बहुत मन कर रहा था। हाँ तो फिर? फिर क्या, मैं बस चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। बड़े भाई, हम पिकनिक के लिए कहाँ जाएं? चलो कब्रिस्तान चलते हैं। पागल है क्या, कब्रिस्तान भी कोई विजिट करने की जगह है? पर मैंने तो सुना है लोग मरते हैं वहाँ जाने के लिए। इतना धुआं क्यों हो रहा है? हनी बेवकूफ, कुकर फट गया। कोई शक? कोई शक नहीं, कुकर ही फटा है। कैसे फट गया? मैंने कहा था ना कुकर को देखना। कुकर कोई देख रहा था? जब दाल बन गई थी तो गैस बंद क्यों नहीं की? तूने गैस बंद करने का नहीं कहा था? हाँ? सिर्फ कुकर को देखने का कहा था। बड़े भाई, वो देखो, कोई अपना बैग भूल गया। चलो देखते हैं किसका है। उत्तरी, ये तो बॉम्ब है, वो भी 2 बॉम्ब है।
चलो हम ये बॉम्ब इंस्पेक्टर पांडा को दे आते हैं। अरे अगर रास्ते में बॉम्ब फट गया तो झूठ बोल देंगे, एक ही बॉम्ब मिला था। अरे अनी के पास फोन। हेलो हेलो। अरे बड़े भाई नया फोन कब लिया? ये फोन नया नहीं है, किटी का है। किटी का? किटी का फोन क्यों ले आए? वो रोज बोलती है मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। आज चांस मिला तो फोन उठा लाया। पकड़ो, ये दोनों टेररिस्ट हैं। पकड़ो। वाओ, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। ओ शाबाश पुत्रों, शाबाश। ईश, हनी, तेरी बेवकूफी के कारण मुझे प्रमोशन मिलेगा। पूरा मत खा जाना, थोड़ा हमें भी देना। ईश, प्रमोशन खाने की चीज नहीं होती। फिर आप ही ले लो, फालतू चीजों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता है बनी, एक बार मेरे अंकल ने पतंग इतनी ऊपर उड़ाई, इतनी ऊपर उड़ाई कि एक तारे के साथ पेंच लड़ाई। वो तारा टूट गया तो लोगों को लगा कि वो टूटता तारा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं हनी, एक बार मेरे अंकल ने टेरेस पर खड़े होकर इतनी ऊंची पतंग उड़ाई, इतनी ऊंची पतंग उड़ाई कि एलियंस वर्ल्ड में जाकर एलियंस पतंग लीग जीत कर आ गए। ले भाई लपेट। कहिए हनी जी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मुझे बैंक से लोन चाहिए था। सर हमारा बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के लोन देगा। अगर देने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों दे रहे हो? जाओ, नहीं चाहिए। यार सुना है कल अंडमान में साइक्लोन आया, ये साइक्लोन होता क्या है? अरे हनी, जब किसी को साइकिल पर लोन मिलता है उसे साइक्लोन कहते हैं। ले भाई लपेट। हनी और बनी, ये बताओ 8 का हाफ कितना होता है? मैं बताता हूँ, 8 का हाफ 4 होता है। हनी क्या ये करेक्ट है? टीचर ये तो डिपेंड करता है, हम 8 का हाफ कैसे करते हैं? सीधा हाफ करेंगे तो 3 होगा और आधा करेंगे तो 0। दोस्तों टमाटर अटैक। ओए कौए हमारे टमाटर खा रहे हैं, भगाओ उन्हें। बस 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 पड़ो। मुझे क्यों मारा? तू कौओं के बीच में उड़ रहा था, मुझे लगा कौआ है। गधे, हरे रंग का कौआ होता है क्या? मुझे लगा बेवकूफ बनाने के लिए कौआ भेष बदल के आया है। बनी ऑटोमेटिकली मतलब? अरे हनी अगर कोई आदमी गंजा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टकला। और अगर कोई लड़की गंजी हो तो उसको क्या कहेंगे? टकली। और वो लड़की अगर ऑटो में बैठकर कहीं घूमने जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटो में टकली। अरे वाह, ऑटो में टकली। ले भाई लपेट। मैडम हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ लाती हैं, हमें भी उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हाँ एकदम करेक्ट, हमें भी ठीक वैसा ही करना चाहिए जैसा मैडम हमारे साथ करती हैं। पर मैडम हमारे कटोरे में दूध कैसे पिएंगी? वो तो ग्लास में पीती है ना। अरे यार तू बेवकूफ है क्या? अच्छा मतलब मैडम हमारे कटोरे से दूध पीती हैं पर कभी देखा नहीं। हाँ? अरे जोरदार, जरा देखो तो बाहर सूरज निकला है या नहीं। हनी बाहर तो अंधेरा है। अरे तो टॉर्च जला कर देख लो। हनी ABCD सुनाओ। ABCD। और सुनाओ। और सब बढ़िया है, आप सुनाओ। यस
हमारी नई एड फिल्म में तुम एक्टिंग करोगी। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ उछल कूद करना है, पर हमारे जूते पहनकर। आपके जूते किट्टी को कैसे आएंगे? Oh, no. हमारे मतलब हमारे नहीं डफर, हमारी कंपनी के जूते जिसका एड बनाना है। कोई डायलॉग नहीं है, तुम्हें भागते हुए गुंडों से बचना है। जब गुंडे भाग ही रहे तो उनसे बचने की क्या जरूरत है? अनी, यमुना नदी कहाँ बहती है? यमुना नदी जमीन पर बहती है। ओहो, यहाँ मैप में कहाँ बहती है बताओ? मैप में कैसे बह सकती है? मैप गीली होके गल नहीं जाएगी। छोटे भाई, ये कॉफी जल्दी जल्दी पी लो। और बड़े भाई, ये बहुत हॉट है, इसीलिए तो जल्दी पी लो वरना कोल्ड हो जाएगी। हाँ तो कोल्ड हो जाएगी तो क्या होगा? वो देखो, हॉट कॉफी 50 रुपए और कोल्ड कॉफी 100 रुपए। इतनी सारी मधुमक्खियाँ, भागो! भगाओ कार! ओनो, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। कार और तेज चलाओ। और तेज नहीं चला सकता, रास्ता खराब है। हाँ तो आने के पहले रास्ता ठीक करवाना था ना। थोको ताली विद खन्ना की शायरी। बोर हो रहा हूँ, एंटरटेनमेंट चाहिए, समझे क्या? दो दिनों से ज्यादा अच्छा नहीं लगता कोई भी गेस्ट। गेस्ट गेस्ट, सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा ऑल द बेस्ट। थोको ताली। अरे रे रे, चूहा हिम्मत करके हाथी से लड़ गया है। ओ भाई, बनी तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। शाबाश बेवकूफ, ताली बजाना बंद कर। जूतों के बीच एक सच्चा मिल गया। कट 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 कट। थोड़ा टाइम मिलता तो मैं पकड़ लेता। कच्चा मांगा था, बच्चा मिल गया। टाइम प्लीज। आइसक्रीम की दुकान पर समोसा खा रहे हो तुम? कैशियर को ये गन क्यों दिखा रहे हो? जब सामने वाले के हाथ में गन हो तो होशियारी नहीं करनी चाहिए। कोई शक? हॉकी को तोड़कर बैट 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 बना दिया। पनी तो मेरे को इंडिया गेट बना दिया। ये ताली ठोकने वाली बात नहीं है। सिचुएशन हो कोई भी, सिंग आउट लाउड विद गुरु और भोले। Fighter planes keep on the eye. 1, 2, 3, 4, 5. Fighter planes keep on the eye. Oji under attack. A gaya hai Sultan Nagar. Oh ho 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 ho. Oh ho ho ho. Oji under attack. A gaya hai Sultan Nagar. 5 planes back to back. Fighter planes keep on the eye. 1, 2, 3, 4, 5. Fighter planes keep on the eye. Ek ko pakad, dooje ko jakad. 3, 4, 5 ki nikaal akad. Ek ko pakad, dooje ko jakad. 3, 4, 5 ki nikaal akad. 1, 2, 3, 4, 5. Fighter planes keep on the eye. 1, 2, 3, 4, 5. Fighter planes keep on the eye. 1, 2, 3, 4, 5. Fighter planes keep on the eye. Come on!
धनुष जादुई, जाने क्या बात हुई, एक दो नहीं सौ सौ तीरों की बरसात हुई। है नहीं ये आसान, पर करना है तुझे ये काम, छोड़ दे तू ये धनुष तभी खत्म होंगे बाण। तीर 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 कम्मा, तोड़ 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 कम्मा, तीर 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 कम्मा, तोड़ 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 कम्मा। डांस 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 dance 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 hey chipak chipak dance dance chipak chipak naach naach chipak chipak dance dance chipak chipak naach naach kabhi main upar are kabhi tu upar aur hum dono ki जोड़ी सुपर। कभी मैं ऊपर अरे कभी तू ऊपर, अरे हम दोनों की जोड़ी सुपर। हर चांस पे कर जाते हैं डांस, हमको किसका है डर, चल 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 नाच। चिपक चिपक डांस डांस, चिपक चिपक नाच नाच, चिपक चिपक डांस डांस, चिपक चिपक नाच नाच, चिपक चिपक डांस डांस, चिपक चिपक नाच नाच, चिपक चिपक डांस डांस, चिपक चिपक नाच नाच। लगे करंट के झटके, हम तो बीच में अटके, लगे करंट के झटके, हम तो बीच में अटके, लगा कुछ ऐसे बटके, भोले निकल जाए हम बच के, अरे बच के। लगे करंट के झटके, हम तो बीच में अटके, लगे करंट के झटके, हम तो बीच में अटके, अरे लगा कुछ ऐसे बटके, बोले निकल जाए हम बच के, अरे बच के। छेड़ूंगा मैं ऐसी तान, छेड़ूंगा
मुड़ी बाबा। ओ माय, ओ माय, ओ माय कलाल। अरे डगमग डगमग हो गई चाल, फंस गया रे अब नहीं चाल। भोला मेरा, ओए भोला मेरा, ओए भोला मेरा है कमाल। रेलगाड़ी चुक चुक चुक, अरे ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी। उड़ी बाबा। रेलगाड़ी चुक चुक चुक, अरे ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी। उड़ी बाबा। रेलगाड़ी चुक चुक चुक, अरे ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी। उड़ी बाबा। रेलगाड़ी चुक चुक चुक, अरे ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी। उड़ी बाबा। क्या मजा था। अरे वाह क्या बढ़िया खिलौना है, मुझे भी इसे घुमाना है। पकेला मुझे पकाओ मत। हाँ?
तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर तुम इसके साथ खेलोगे तो मेरे साथ कौन खेलेगा? मैं तो ये घुमा कर ही रहूंगा। ओके ओके पकेला, टेक इट हियर, पर पहले मेरे ऊपर से उठो ना। इसे घुमाते कैसे हैं? ला यहाँ लाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ इसे कैसे घुमाते हैं। आई टीच यू। ये लो मेरा हेलीकॉप्टर शॉट। ये क्या हो रहा है? अकेला, मुझे नीचे उतारो। इसीलिए तो कहता हूँ ना ले धकेले से टक्कर। सब्सक्राइब टू सोनी ये फॉर मोर सच फन वीडियोज़।